मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आज आपके साथ एक विषय पर विचार करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नोटबंदी का कानून बनाया। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री ने कानून बनाया कि काले धन के ऊपर इन्होंने कानून बनाया, काले धन इन्होंने रोकना है, काले धन को इन्होंने बंद करना है। हमारे को एक क्वेश्चन इनसे, मेरा पर्सनल मन का विचार है कि मेरे घर में दो मेरी बेटियां हैं, मैंने जिंदगी में 15 साल से पिछले कमाई करता आ रहा हूं, मैंने कमाई जोड़ जोड़ के अपनी बीवी को दी, अपने पास रखी, क्या ये हमारा ये काला धन है? कल मेरी बच्चियों की जब शादी आएगी, जब मेरे बेटे की शादी आएगी, क्या प्रधानमंत्री से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये शादी हमारे पड़ोसी करेंगे या आप करेंगे या अरुण जेटली जी करेंगे जिनके ऊपर आप कानून बना रहे हो? क्या हमारे को कोई अधिकार नहीं है पैसे 10-20-30 लाख रखने का? क्या ये काला धन है? काला धन जिन्होंने आपका पकड़ना था, स्विस बैंक पे ऊपर आप विचार कर रहे थे हमारी सरकार आएगी तो हम जवाब देंगे, स्विस बैंक को सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद आपने कौन सा स्विस बैंक का कर्मचारी पकड़ा, कौन सा मालिक पकड़ा, किसका काला धन पकड़ा? आपने देश की वो जनता पकड़ी प्रधानमंत्री जी, जो लाइनों में लग के गरीब आदमी आज मेरे जैसा, मेरे से भी छोटा, मेरे से भी ऊपर वो पिस रहे हैं, जिनकी बेटियां घर में हैं, माँ कह रही है मम्मी क्या सब्जी लाऊं, माँ कह रही है बेटा अभी 4000 एटीएम से लाऊंगी, 2000 लाऊंगी, घर का देश का चलाऊंगी। मैं प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री, निवेदन ये करता हूं कि आप हमारे को इस बात का जवाब दें, ये देश की जनता ने आपको इसलिए चुना था कि आके आप हमारे गले काटिए, हमारी बहन बेटियों की शादी रोकिए, हमारे बच्चों की शिक्षा रोकिए, आपने स्कूल की शिक्षा के ऊपर कोई कम किए फीस, आपने स्कूल की शिक्षा को कम किया, आपने स्कूल की, मेरे बच्चे की फीस है 14,000 महीने की, मेरे भतीजे की, आपने कम करी, मेरी औकात नहीं है 7,000 देने की भी, लेकिन आपने स्कूल के साथ, लॉ के साथ मिले हुए हो, अमीरों के साथ मिले हुए हो, आप गरीबों के गले काट रहे हो, गरीबों के गले काटने का आपको कोई अधिकार नहीं है। देश की जनता को कम से कम समझिए, जिस 125 करोड़ जनता ने आपको चुना माननीय प्रधानमंत्री जी, मुद्दा बना के लाए नरेंद्र मोदी जी आएंगे हमारा स्वार्थ बनाएंगे, इन्होंने तो हमारे को वहां मारा जहां हमको पीने को पानी भी नहीं मिला। कम से कम आप थोड़ा ये देखिए, एक औरत, आदमी कमाता है, औरत जोड़ती है कि चलो बच्ची की शादी आएगी, मेरे काम पैसे आएंगे, आज उस औरत की 6-10 लाख 15 लाख कमाई आपने काले धन में लगा दी, आपने उसको काला धन घोषित कर दिया। आप मुझे जवाब दें, मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, टेबल पे डिबेट करना चाहता हूं अरुण जेटली से कि ये हमारा काला धन है, ये हमारा काला धन है 30 लाख 20 लाख जिनने हमने बच्चे ब्याने हैं, हमने बच्चों की पढ़ाई करानी है, मैंने अपने बच्चे को सीए करानी है, इंजीनियरिंग करानी है, किसी ने अपने बच्चे को पढ़ाई करानी है, किसी ने इलाज कराना है, हमारे बच्चे, किसी का बीमार आदमी अस्पताल में पिस रहा है, पर आप प्रधानमंत्री जी हिले नहीं, आपने यही कहा बहनों और भाइयों हम तो देखेंगे गरीबों को कड़वी चाय, अमीरों को हमने कड़वी चाय पिला दी। ये जवाब नहीं है, ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा जवाब नहीं देता है। ये यही मैं खत्म करता हूं, पर ये मेरे देश में संदेश जाएगा कि जो मेरी बहन बेटियां पिसी हैं, जो मेरे भाई गरीब लाइनों में लगे हैं, उनको एक बार डिसीजन लेना होगा इस माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से, जिनको हमने चुना था, इन्होंने हमारे गले काट के, हमारी बहनों बेटियों के गले काट के हमें रोड पे लाया, आज हम इनको जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है, मेरी जो बहन बेटियां जो मेरे साथ हैं वो एक बार मेरी आवाज को बुलंदी पे उतारे, मेरी बुलंदी करें, यूपी में वाराणसी में बोलूंगा जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलती हैं, मैं भी बोलूंगा। बहनों और भाइयों ऐसे मत करो, मत गले काटो, गरीबों को मत मारो, अमीर लाइन में नहीं लगा, मरा गरीब है, मरा मीडियाकर है। मैं यही अपना संदेश खत्म करता हूं, ये मेरा संदेश सब पे जाए, थोड़ा मेरी बात का जवाब देना, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा भी दी जाए।